मध्य प्रदेश में मंत्री पद को लेकर दाव पेच जोरों पर है। हम बात करें कमलनाथ सरकार में मंत्री रही इमरती देवी की, तो इमरती देवी ग्वालियर जिले की ढबरा विधानसभा से आती हैं, जिन्होंने सिंधिया के इशारे पर मंत्री और विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन की है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास और करीबी समर्थक मानी जाती है। इमरती देवी का नाम भी शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल की दौड़ में आगे है, जिन्होंने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर भाजपा की शिवराज सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में उनका मंत्री बनना तय है, मगर भाजपा के कई विधायक भी मंत्री बनने की दौड़ में आगे आ रहे हैं और शिवराज पर मंत्री बनाए जाने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में इमरती देवी इस दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाए, इस कारण उन्हें अपने राजनीतिक करियर की चिंता सताने लगी है और वह मंत्री बनाए जाने को लेकर शिवराज तथा भाजपा कार्यालय के चक्कर लगाती देखी जा रही है। मगर जब हमारे समाचार एक्सप्रेस के स्टेट हेड अमर वर्मा ने इमरती देवी से उनके मंत्री बनने को लेकर चर्चा की, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें मंत्री बनने का शौक नहीं है, मैं तो यूं ही खुश हूं और ज्यादा खुश हूं। हालांकि यह सब हकीकत से कोसों दूर है, मगर करे तो करे क्या करे, दाव पेच अभी भी फंसा हुआ है और शिवराज सिंह चौहान भी मंत्रिमंडल का विस्तार करने में बोने साबित हो रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के विधायक उनका सिरदर्द बने हुए हैं। एक तरफ सिंधिया समर्थकों को कमलनाथ सरकार गिराने का मंत्री बनाकर तोहफा देना है, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के विधायक को बगावत करने से रोकना है। आने वाले उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना भी है। अगर शिवराज से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई छोटी सी भूल भी होती है तो उसका परिणाम बुरा हो सकता है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी बैठकों का दौरा भी जारी है, मगर हर बार कोरोना का हवाला लेकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कब तक बच पाएंगे शिवराज, कैसे सामंजस्य कर पाएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बरहाल जो भी हो, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जब अमर वर्मा ने इमरती देवी से मंत्री बनने को लेकर फोन पर खास चर्चा की, तो क्या कुछ कहना था उनका, आइए हम आपको सुनाते हैं कि पूर्व मंत्री इमरती देवी ने समाचार एक्सप्रेस से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। सुनिए आप भी भोपाल से स्टेट हेड अमर वर्मा की एक खास रिपोर्ट। जी मैम नमस्कार। हेलो। जी मैम नमस्कार, अमर वर्मा बोल रहा था। जी नमस्ते, हम सो गए थे, आपका मिस कॉल था। जी जी मैम, अमर वर्मा बोल रहा था समाचार एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जी मैम, अभी क्या फ्री है आप? हाँ फ्री है, बता। मैम थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि ये मैं थोड़ा सा एक खबर चलाना था, इंटरव्यू चलाना था, मंत्रिमंडल को लेकर क्या डिले हो रहा है, उसमें समस्या आ रही है, तो इस बारे में कुछ क्वेश्चन पता ही नहीं जब बताएं। मैम ये मेरा पहला सवाल था कि जो मंत्रिमंडल में क्या आपका नाम दौड़ में नहीं आ रहा है, इसमें बीजेपी के लोग है वो विरोध कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसमें? नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा और ना हमें इतनी जरूरत है कि हमारा नाम मंत्रिमंडल में आ जाए। मैं काम करने वाली मैं ला हूँ, जनता के लिए काम करती हूँ। मंत्रिमंडल ये वो ये सब लोग पता नहीं क्यों पूछते, मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि मैं मंत्रिमंडल में आऊँ। मैं चाहती हूँ, मैं तो सेवा भाव में रहती हूँ, सेवा भाव में रहना चाहती हूँ। मैंने आज तक किसी से मंत्रिमंडल की आशा न रखी न रखू। एक्चुअली क्या है कि अभी जो और ना मेरा कोई विरोध कर रहा, ना मेरा विरोध को बीजेपी के कर रहे, ना मेरा विरोध को कोई कोई भी मेरा विरोध नहीं कर रहा। और ये तो सब लोगों की बात है, क्या कर रहा ना, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा विरोध कोई नहीं कर रहा, मुझे पता है। जी मैम, जो बीजेपी की जो पुराने वरिष्ठ अधिकारी जो नेता है उनका ये कहना है कि जो हमारा ये लोग इनको वहाँ हक नहीं मिला कांग्रेस में, तो ये यहाँ आके हमारा हक छीन लिया गया। तो और कोई नहीं कह रहा, ये आप लोग कह रहे, वो कोई नहीं कह रहा, ये बात कोई नहीं कह रहा, बीजेपी वाले नहीं कहते ये बात को। अच्छा, बीजेपी संगठन चलाना जानते हैं, ये आप लोग कहते हो, हमने किसी के मुँह से सुना ही नहीं, आप कह रहे जी। मैम एक्चुअली क्या है कि अभी जो मंत्रिमंडल गठित होने में जो जो देरी हो रही है, इसको लेकर कई नहीं, कोरोना कोरोना
कोरोना है, महामारी चल रही, हमारे खुद डबरा में 15-16 लोग निकले हैं। हम कह रहे जान है तो जहान है, जरूरी है कि मंत्रिमंडल में तो कह रहे हमारे जो गरीब लोग आ रहे जा रहे इनकी व्यवस्था अच्छी हो रही, इनके खाना पानी की व्यवस्था कर रहे मुख्यमंत्री जी, एक अच्छा काम कर रहे। बाप में मंत्रिमंडल बीच में जो कोरोना में कहां से आ जाते हैं, हो जाएगा मंत्रिमंडल के बिना क्या सरकार नहीं चल रही? सरकार बहुत अच्छी चल रही, छोटा सा हमारा मंत्रिमंडल है, बहुत अच्छी सरकार चल रही, इसमें आपत्ति किसको है ये तो बताओ जी। मैम मेरा ये सवाल था कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ने बोला है कि ये कोरोना है, सर्दी खांसी जुकाम से ज्यादा कुछ भी नहीं है, है ना, इसको तो इसको ज्यादा ध्यान में नहीं दे रहे और मंत्रिमंडल में काफी वो काफी बिजी है और नहीं नहीं कोई कोई बिजी नन्ना, सब कोरोना में बिजी है, ये महामारी में हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय बहुत बिजी है और इसके काम में दिन रात इसके अच्छे में लगे कि कब तक जल्दी से जल्दी ये कोरोना खत्म हो जी। लेकिन उपचुनाव को लेकर तो कोरोना से ज्यादा उपचुनाव को लेकर काफी कसम का चल रही है, किसी को कोई को किसी को कोई तकलीफ न, 24 की 24 सीटें बीजेपी जीतेगी और आप देख लेना 24 की 24 सीटें जीतेगी बीजेपी, इसमें कोई को इतनी दिक्कत नहीं है कि कब जाएंगे, कब उपचुनाव में जाएंगे, चले जाएंगे चुनाव तो हम 15 दिनों में कर लेंगे जी। तो ये मैम जो ये मंत्रिमंडल गठित हो रहा है इसमें आपका मंत्री पद बनना आपका तय है? मुझे अब कोरोना से जूझने की, कोरोना में अच्छे काम करने की, मैं एक अच्छी जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे मंत्रिमंडल से कोई ऐसी परवाह नहीं है कि मुझे मंत्रिमंडल जल्दी मिले ना मिले और लेट हो, अच्छी बात है कि कोरोना दूर होगो मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री से मैं ये आशा चाहती हूँ कि मंत्रिमंडल और आगे को बढ़ाए जी। तो मैम कोरोना के लेकर आपका अभी क्या सेवा चल रही है मैम? सब चीज सेवा पूरी चल रही, दवा डॉक्टर है, पुलिस है, सब जाके तान लगी है, पूरे चेकअप हो रहे, चाचे हो रही पूरी तरीके से, कलेक्टर से लेके सारे लोग हमारे ग्वालियर जिले में पूरे अधिकारी अच्छे से काम कर रहे कोरोना में। तो मैम जो अभी पूर्व मंत्री उमंग सिंगार जी ने एक सवाल उठाया कि 3 लाख मजदूर आए उनकी लिस्ट बताया, दूसरी बात है मजदूर रोड पे घूम रहे हैं, कहीं बेल को कोई 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 अब जब घूम रहे थे अब कोई नहीं घूम रहा, अब सब मजदूर सुरक्षित हैं, सब मजदूर अच्छे हैं, लेकिन जब हाल ही हाल जब बसें और ट्रेनें हमारी नहीं लग पाई थी तब घूम रहे थे, अब कोई मजदूर नहीं घूम रहा रोड पे, सबको खान आज भी कहीं ट्रालों में मजदूर जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, उनको स्थिति खराब है और कई जगह भी एक्सीडेंट हुआ है और लोग नहीं बड़ी दुर्घटना है जो अभी एक डंपर पुलिया से टकरा गया, तो वो तो घटना ऐसी है, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, आपने देखा होगा कोरोना भी नहीं था जब भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे जी, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखी जा रही है कि कोई कोई सरकार की लापरवाही नहीं है, सरकार अपना पूरी जिम्मेवारी से काम कर रही, पूरी जिम्मेवारी से सरकार काम कर रही, हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी जिम्मेवारी से काम कर रहे। इसका मौत का कारण किसको माने मैम? क्योंकि मजदूर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे देश को बसाया है, पूरे घरों में बनाया है, उसके बावजूद भी लेकर उनको काफी नहीं नहीं काय के दोषी कोई दोषी नन्ना, जो जो है सब एक्सीडेंट छोटे पूरे होते हैं, ईश्वर की मर्जी है, जे एक्सीडेंट कोरोना में नहीं, ये एक्सीडेंट तो पहले में होते थे, ट्रेनें भी पलटती थी, डब्बे भी पलटते थे, सब होता था, ये ईश्वर की मर्जी है, इसकी तो दुख होता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को मजदूरों से ज्यादा फिक्र उनको मंत्रिमंडल को लेकर है, उपचुनाव को लेकर है, इस बारे में नहीं नहीं ये अगर उन्हें मैं कह रही उनको मंत्रिमंडल की फिक्र नन्या, उन्हें कोरोना से निपटने की फिक्र है, आप ये गलत बोल रहे, टोटल गलत बोल रहे, जो भी आपसे कह रहा वो टोटल गलत कह रहा, वो कोरोना से जूझ रहे, कोरोना जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल की अगर इतनी फिक्र होती तो अभी तक कबों को मंत्रिमंडल बना देते, सिर्फ वो कोरोना में लगे हैं और कोरोना की बीमारी से वो निपटने में पूरी तरीके से लगे हैं।
अच्छा मैम, जो छोटा मंत्रिमंडल गठित हुआ है उसमें आपका नाम कहीं से कहीं नहीं आया, मतलब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि तो इससे हमारे कोई तो हमारा बना है इसमें। आप सुनो तो, लोगों को और आपको क्या आपत्ति है? मुझे नहीं बनना मंत्री, मुझे नहीं नहीं मुझे नहीं मुझे नहीं बनना मंत्री, इसलिए मेरा नाम नहीं आया। मैंने सिंधिया जी से मना कर रही थी कि मैं बन जाऊंगी, अब नहीं बनना है मुझे। अच्छा, तो मतलब अगला मंत्रिमंडल में भी अगर आपको पद नहीं मिलता मंत्री पद का, तो क्या आप खुश रहेंगे या फिर नाराज हो जाएंगे? बहुत हद से ज्यादा खुश रहेंगे अपनी जनता में। अच्छा। मंत्रिमंडल से कुछ नहीं होता, जनता में काम करने से सब कुछ होता है, चुनाव जीतने से सब कुछ होता है। मेरी डबरा की जनता मुझे प्रतिनिधि देखना चाहती है और मैं रहूंगी। मंत्रिमंडल से बनके मैं मुझे इतना लाभ नहीं होता जितना मुझे वैसे रहेगा जी। मुझे कोई दुख नहीं, मैं खुश हूँ बीजेपी में आके। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ, वहाँ मान सम्मान अच्छा सब कुछ मुझे मिल रहा है। अच्छा जी जी। हाँ, 1.5 साल में जितनी घुटन हुई है ना, वो घुटन से हम इतने अभी तक परेशान हैं। जो कांग्रेस की सरकार में मुझे घुटन महसूस हुई है जी, और इस सरकार में मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ जी जी। अच्छा मैम, एक मेरा एक आखिरी सवाल था कि जिस प्रकार से महाराज अभी अपने जो समर्थक जो थे 22 विधायक है ना दिया, उनके कार्यकर्ताओं से उनको भी कहीं ना कहीं है कि हमारे जो समर्थक है वो हार न जाए, इसके लिए वो कार्यकर्ताओं को फोन लगा लगा के बोल रहे कि हमारे इनको जिताना है, हमारे इनको मंत्री पद मिलेगा। इस बारे में क्या आपके इधर भी सक्रिय हो गए हैं अपने महाराज? महाराज आपको पता है कि ऐसे प्रतिनिधियों की जरूरत महाराज को होती है जो जनता में काम करे। और महाराज को किसान मजदूर व्यापारी दुकानदारों की चिंता रहती है, तो वो बात करते हैं और उन्हें उन प्रतिनिधियों को जिताने की जरूरत तो वो तो आज नहीं, चाहे जब जनता से बात करते हैं, जनता में आते हैं, भीड़ में उतर जाते हैं, आदिवासी SC की महिलाओं से गले से मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छे उनका अच्छा वो है व्यक्ति जी, अच्छा काम करते हैं जी। और वो अपने अपने प्रतिनिधियों के लिए किसी से फोन लगा दे, फोन लगाने वाली कोई बुरी बात है? जी जी, बिल्कुल सही बात है मैम। अच्छा, दूसरा ये सवाल था मेरा कि जो किसानों के मुद्दे थे ये भाजपा में बरकरार रहेगा क्या? किसानों के मुद्दे थे जो ऋण माफी को लेकर, किसानों की समस्या को लेकर, किसानों के आत्महत्या को लेकर, ये मुद्दे शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, सुन लो मेरी बात। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, किसान की उन्हें फिक्र है, जो भी करेंगे किसान के संग अच्छा करेंगे। मैम, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि जो मुद्दे थे किसान ऋण माफी को लेकर, और आपकी मतलब कांग्रेस सरकार ने जो ऋण माफी की थी उनको प्रमाण पत्र दिया गया है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया था। जो वचन पत्र में बोला था ना, उसको ही लेकर ये सब कुछ हुआ है। अगर वचन पत्र के काम और ये वे सब कांग्रेस सरकार सही कर देती ना, तो ये हाल ही नहीं होता कांग्रेस को। तो ये किसान का जो मुद्दे ही है बरकरार है, इसमें रहेगा? हम बता रहे हैं ना, शिवराज सिंह चौहान किसान के बेटे हैं, उन्हें फिक्र है किसानों की। जी जी हाँ। तो मैम ये है कि आप भी किसानों और गरीबों के मुद्दे को उठाते रहेंगे भाजपा में भी? हम हर जगह उठाते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, तभी 3 बार जीते हैं, 4 बार, और किसान की लड़ाई लड़ते हैं चाहे हर जगह जी। अच्छा मैम, और हम ये मेरा अगला सवाल था कि अभी जो 22 विधायकों पर भाजपा के संघ ने जो सर्वे करवाया है उसमें 19 विधायक जीतने के कगार पे नहीं है, ऐसे में टिकट को लेकर भी कसम खत चल रही है मैम, इस पे क्या कहेंगे आप? 22 के 22 सब जीतेंगे, ठीक है, 22 के 22 जी, बीजेपी के विधायक जीतेंगे, ना कोई सर्वे है ना कोई कुछ है, 22 के 22 को टिकट मिलेगा और 22 के 22 24 के 24 जीतेंगे। और 6 पूर्व जो पूर्व मंत्री थे उनको मंत्री पद भी मिलेगा? उसके मुझे, मैं अपनी बात कर रही, दूसरों की बात दूसरों से करो जी। मैं कह रही हूँ मुझे मंत्री पद की जरूरत नहीं, मुझे काम की जरूरत है, मुझे जनता के विकास की जरूरत है। और मैं मंत्री पद भी नहीं मिलेगा तो भी खुश रहूंगी, बहुत अति से ज्यादा खुश रहूंगी शिवराज सिंह के साथ रहकर। जी जी मैम,
तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम और समाचार एक्सप्रेस में बात करने के लिए समय दिया आपने, धन्यवाद। जी जी भैया, जी भैया, नमस्ते भैया, जी नमस्ते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.